सिंह राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 से 15 मार्च तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी, और कुछ गाइडेंस भी हम यहाँ देखेंगे जिससे कि आप अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकें। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सिंह राशि। सबसे पहले मैं देखूंगी करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी आपके लिए क्या है, अभी आपके लिए क्या है करंट फीलिंग्स। ओके, आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए अभी क्या है। ओके, थोड़ा सा हम इस कार्ड को क्लियर करेंगे कि यहाँ पर गार्डन एंड द गेट कार्ड क्यों आया है। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं करेंट फीलिंग से। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ सिंह राशि की अभी की सिचुएशन में आप अपने ईगो में है। थोड़ा हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से आप चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, आप चाहते हैं कि रिश्ते फिर से ठीक हो जाए, आपके पार्टनर जो है आपसे बात करे, आपसे जो भी उनको मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करे और चीज़ों को ठीक कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने ईगो में भी हैं, आप आगे से जाकर एक्शन नहीं लेना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि मुझे पता है सॉल्यूशन क्या है, लेकिन क्या है ना कि उसको ठीक करने के लिए मतलब कि मुझे नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं सिंह राशि आप अपने ईगो में हैं, आप वेट कर रहे हो कि चीजें ठीक हो जाएगी, और आपके पार्टनर भी यहां पर इंतजार ही कर रहे हैं। उनको भी ऐसा लग रहा है कि रिश्ते तो बचाने हैं, रिश्तों को ठीक रखना है, और आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि उनकी जीत होनी चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी जगह पे पूरी तरह से सही है तो उनको ही जीत मिलनी चाहिए, उनको ही ऐसा होना चाहिए कि आप ही जाए उनके पास और चीज़ों को ठीक करें, सॉरी कहें, या फिर मैं ये कहूँगी कि यस उनकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ठीक करें। आपके पार्टनर चाहे तो आपके पास आ सकते हैं, उन्हें पता है क्या सॉल्यूशन है, कैसे ठीक करना है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं। और सिंह राशि, आप भी जानते हो कि चीज़ें कैसी है, उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन आप ठीक करने के लिए अभी आप भी एक्शन नहीं ले रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम निकल जाएगा तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा रोक के रखे हुए हो, आप चाहते हो बहुत बात करना, आप चाहते हो चीज़ें ठीक करना, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों ही कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, प्यार है, रेस्पेक्ट है, लेकिन दोनों ही अभी अपने अपने एटीट्यूड और अपने अपने ईगो में है। चलिए देखते हैं 1 से 15 तक क्या रहेगा। तो 1 से 15 मार्च तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। सिंह राशि, एस ऑफ पेंटाकल्स, ओके, ओके, 1 से 15 मार्च तक मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसा कि मैंने बोला कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा यहाँ पर ईगो है जो कि उनमें दिखाई दे रहा है, और वो चाहते हैं कि आप ही उनके पास जाओ क्योंकि आपने चीट किया है, आपने गलत किया, आपने धोखा दिया है। तो कहीं ना कहीं यस वो यहाँ पर सोच रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में वो सोच रहे हैं कि या तो इसे ये रिश्ता पूरी तरह से टूट जाएगा। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं रखना है तो बिल्कुल मत रखो, कोई बात नहीं, लेकिन मनाना तो आप ही को पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी गलती हुई है। तो 1 से 15 मार्च के बीच में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप आपके पार्टनर के पास जाते हुए दिख रहे हो, आपके पार्टनर आपका इंतजार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं फिर से चीज़ें ठीक हो रही हैं, फिर से आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी गलती को। मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पार्टनर जो आपका इंतजार कर रहे थे, और चाहे वो आप मतलब यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर का एटीट्यूड आपसे कहीं ज़्यादा है, चाहे वो रिश्ते को खो देंगे, मतलब चाहते हैं ठीक हो जाए लेकिन वो खो देंगे, लेकिन वो आगे होकर नहीं आएंगे। और यहाँ पर यही क्लियर दिख रहा है कि यस वो आप फिर से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे। सिंह राशि, जो आपके पार्टनर का इंतज़ार है वो डेफिनेटली कंप्लीट होगा, उनको आप समझाओगे और आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इस 15 दिनों में क्लियर होने वाली है। देखते हैं आपकी आपकी करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली है 1 से 15 के बीच में।
यस, या मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो मैं देख पा रही हूँ सिंह राशि आप ही परेशान हो रहे हो बहुत ज़्यादा। आप अपने पर्सन को लेकर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बात करनी चाहिए, मुझे ठीक करना चाहिए, जो भी गलतियाँ हैं उनको मैं ठीक कर दूंगी या कर दूंगा, और आप उसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हो, अभी भी सोच रहे होंगे शायद, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी थिंकिंग मैन आया था और यहाँ पर भी थॉट्स आपके नज़र आ रहे हैं कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आपकी चल रही है इन दिनों में। 1st to 15th के मार्च में भी स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग वीक में आप दोनों के बीच में थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग रहेगी, और बहुत ज़्यादा उस वक्त ऐसा होता है ना, कोई कोई टाइम ऐसा होता है जब ऐसा लगता है नहीं अभी तो मुझे इस पर्सन से बात करनी ही चाहिए, वो टाइम आएगा और नेक्स्ट वीक में मैं यहाँ देख पा रही हूँ डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे, चीज़ों को ठीक करोगे और फिर से एक नई शुरुआत करोगे। ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि आप खुद समझेंगे इस बात को कि क्या किया आपने, और कहीं ना कहीं आपको भी सिंह राशि समझ में आ जाएगा कि यस आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक रही है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप सिंह राशि अपने इमोशंस भी शेयर कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ उस 15 दिनों में, या फिर आप अगर प्रपोज करना चाहते थे बहुत टाइम से अपने फीलिंग्स को आपने छुपा के रखा हुआ था, तो इन 15 दिनों में कहीं ना कहीं अपने दिल की बात आप आपके पार्टनर से कर सकते हो, आप उनसे शेयर कर सकते हो कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो और इतने टाइम से आपने क्या छुपा कर रखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के बारे में आप क्या सोचेंगे 1st to 15th मार्च में। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचेंगे, आप आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचेंगे, ओके आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे, तो आप देखिए चीटिंग कार्ड के ऊपर ही डिसीट कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं उनको मन में बहुत गुस्सा तो है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगो भी है, और कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि मैं लक्की हूँ, लोगों के लिए मैं लक्की हूँ, मेरे लिए लोग लक्की नहीं है, मेरे लिए लोगों ने हैप्पीनेस मुझे नहीं दी है, मैं लोगों को हैप्पी करता हूँ, मैं लोगों की लाइफ में अबंडेंट लेकर आता हूँ, तो ऐसा बहुत ज़्यादा उनको अपने ऊपर बहुत प्राउड है, इसलिए कहीं ना कहीं वो आपको ऐसा समझ रहे कि नहीं तुम मुझसे नहीं जीत सकते, तुम मुझसे गलत नहीं कर सकते, मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, तुम लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, डोमिनेट कर सकते हो, लेकिन मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहां आपके पार्टनर की जो एनर्जी ना बहुत हाई है सिंह राशि, तो कहीं ना कहीं सिंह राशि अपने आप में एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन यहां पर आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के सामने थोड़ी सी डाउन हो रही है जो कि मैं यहां देख पा रही हूं। आप जो है कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, हो सकता है आप दोनों की ऑनलाइन बात हो जाए 15 दिनों में, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, भगवान से भी विश कर रहे हो कि भगवान चाहे कुछ भी हो जाए मेरा पार्टनर मुझसे बात करने लगे, जो भी बातें हैं जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्ट हो रहे हो। आप देखेंगे कि आप अगर किसी मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो ना सिंह राशि, तो आप अपने पार्टनर के बारे में ही सोच रहे हो, आप उन्हीं से ही प्रे कर रहे हो कि मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए, कुछ भी हो मेरी उससे बात हो जाए, तो ऐसा बहुत ज़्यादा आपके मन में ये सब चल रहा है, और आप ठीक भी करोगे जो कि मैं देख रही हूँ कि यस आप ठीक करोगे। ऑनलाइन मैसेज करके आप बात कर सकते हो जो कि मुझे दिख रहा है, हो सकता है मैसेज पे आप दोनों की बात हो, और इसी बीच में जब आपकी बात होगी मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने इमोशंस भी अपने पार्टनर के साथ शेयर कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स अपने दिल की बात भी आप कह रहे हो। थोड़ा सिंह राशि में यहाँ देख पा रही हूँ आप थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आपके चारों तरफ हो रही है, हो सकता है कि इन दिनों आपके आपकी चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सही गाइडेंस में नहीं हो, आपको किसी ने गलत समझा दिया है, गलत उलझा के रखा हुआ है, ये भी एक रीज़न हो सकता है, या फिर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है। तो अगर ऐसा कुछ भी है ना, थोड़ा अपनी हीलिंग करिए, अगर आप हीलिंग समझते हैं तो हीलिंग करिए, हीलिंग नहीं समझते हैं तो आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं, या फिर किसी सही पर्सन की गाइडेंस ले सकते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तब ही आप चीज़ों को ठीक कर पाओगे अपनी लाइफ में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे, सिंह राशि आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे देखते हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे सिंह राशि। वाओ, फ्रेंडलीनेस, स्ट्रेस एंड गोइंग विद द फ्लो, वाओ
आप आपके पार्टनर की तरफ क्या एक्शन लेने वाले हो सिंह राशि? ओके, वाओ, मेजर चेंजेस है यहाँ पर आप में, वेरी नाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर अभी दिख रहा है फेब मंथ में, कि दोनों ही स्टक हो, ईगो में हो, दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि 1st to 15 के बीच में आप, सबसे पहले सिंह राशि आपका मैं देख रही हूँ कि आपका जो एक ईगो था, एटीट्यूड था अपने आप को लेकर, वो बहुत चेंज हो गया है। आपके ग्रह भी बहुत चेंज हो गए हैं, अब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, सॉर्ट आउट कर रहे हो जो भी प्रॉब्लम है। और स्पेशली मैं यह देख पा रही हूँ कि आपका अगर कोई पार्टनर है जिससे आप प्यार करते हो, या कोई फ्रेंड्स है, कॉमन फ्रेंड्स है, कुछ भी है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो सारी क्लियर करके, और आप यहाँ पर आप देखेंगे कि चीज़ों को ठीक करके और आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, और बहुत ही प्योरिटी के साथ में कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन होना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ठीक होना, वो पूरी तरह से ठीक होके और फिर से आप दोनों एक हो जाओगे और फिर से एक नई शुरुआत करोगे। यहाँ आपके पार्टनर की रीडिंग में भी मैं क्लियरली देख पा रही हूँ गोइंग विद द फ्लो, तो एक नई शुरुआत, नया प्यार, नया लव आपकी लाइफ में आपके पार्टनर की लाइफ में आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो अब ये चीज़ें, सब चीज़ें क्लियर करके, अपने ईगो को भी डाउन करके, और अब वो ठीक कर रहा है कि चलो ठीक है, जाने दो, अभी अभी कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप एक कदम बढ़ा रहे हो तो आपके पार्टनर देखिए 2 कदम आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं। आप दोनों की फ्रेंडशिप फिर से एक नई शुरुआत हो सकती है, नए तरीके से जुड़ सकते हो, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के लिए प्यार यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे आगे और एक नई शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पार्टनर के दिल की बात। आपके पार्टनर के दिल की बात जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सेपरेशन, ओके। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि शायद आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है लोगों को लेकर या खुद को लेकर किसी भी तरह से। तो यहाँ पर देखिए, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं कि सेपरेट होना इजी है, आप सेपरेट हो सकते हो अगर सेपरेट होना चाहते हो, लेकिन उससे पहले लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, किसी से गाइडेंस दो, किसी से समझो कि जो चीज़ें हुई है क्या वो सच में सेपरेशन के लायक है, क्या वो सच में ट्रू फ्रेंडशिप नहीं थी। तो जब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव सोचने लगोगे अपनी पार्टनर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाओगे, क्योंकि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके आपके लिए, और बहुत अच्छा समय वो आपके साथ और गुजारना चाहते हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर बहुत ही पॉजिटिवली कह रहे हैं कि चीज़ें ख़त्म करनी है तो कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले समझ लो कि आपने क्या गलती की है, क्या सही किया है, और उसमें आपको कोई भी गाइडेंस दे सकता है जिससे कि आप समझ सकते हो कि चीज़ें ठीक कैसे करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है सिंह राशि, आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, एक अफर्मेशन भी हम इसके साथ ले लेते हैं, सिंह राशि के लिए क्या अफर्मेशन है मार्च मंथ के लिए। ओ वाओ, ठीक है, सबसे पहले मैं अफर्मेशन बता देती हूँ कि आपको मार्च मंथ में क्या चेंट करना है। आई एम अट्रैक्टिंग लव इनटू माय लाइफ। अगर किसी भी तरह की कमी आपको लगती है, किसी भी तरह के प्यार की कमी लगती है, तो आप उसका नाम लेकर और आप डेली 11 या 21 टाइम्स चेंट कर सकते हो, और इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। आई एम अट्रैक्टिंग लव इनटू माय लाइफ। ओके, चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। तो सबसे पहला जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। यस, बहुत ही अच्छा आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, बहुत ही अच्छा आप पा सकते हो। कैसे? अगर आपने अपने लिए स्टैंड लिया, अगर आपने अपने लिए बात की, अगर आपने अपने लिए मतलब कि सोचा, सेल्फ लव किया, अगर आपने अपने लिए ये सोचा कि नहीं, मेरी लाइफ में ये नेगेटिव एनर्जी की जगह नहीं है, और आप अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करते हो, तो 100% आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने ही वाले हैं।
तो अगर आप चुप करके बैठे हुए हो, अगर आप किसी भी तरह से एक्शन नहीं ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि उससे क्या हो रहा है ना कि वो एक कड़वाहट बढ़ती जा रही है, आपको जो मिलना चाहिए रिजल्ट वो मिल नहीं रहा है। तो आप चाहे सही हो चाहे गलत हो, आपको अपनी लाइफ में स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, ताकि आप खुद ही अपने लिए अच्छा बेहतर जीवन बना सकते हो। और ये चेंट जरूर करें अफर्मेशन, जिससे कि आप अपने लाइफ में लव को अट्रैक्ट कर सको। ठीक है, तो सिंह राशि ये थी आपकी रीडिंग मार्च मंथ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।